वेल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद आप जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो वहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर सैलरी कितनी होती है, सबसे ज़्यादा सैलरी किस डिपार्टमेंट में होती है और आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, तो इस सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि पहले आप अगर सेलेक्ट करते हो कि यार मुझे इस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, वहाँ पे क्या वर्क होता है वो आपको पता नहीं होता, सैलरी कितनी होती है वो भी यहाँ पर आपको पता नहीं होता, लेकिन आपकी अगर डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आपको डिसाइड करना आसान जाता है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए या नहीं। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, तो पहले मैं डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट होता है क्यूसी डिपार्टमेंट। आप क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट हो गया, आईपीएफपी डिपार्टमेंट हो गया, वैलिडेशन डिपार्टमेंट हो गया, इन प्रोसेस डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सभी डिपार्टमेंट होते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे फ्रेंड्स, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट होता है क्यूए डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। थर्ड होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फोर्थ नंबर पे आता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो फोर्थ डिपार्टमेंट है, तो ये मेन डिपार्टमेंट है। ओके, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, तो वो बहुत सारी कंपनीज में, जो एमएनसी कंपनीज है, कुछ डोमेस्टिक कंपनी भी होती है, जो आपको टारगेट रखना चाहिए वो एमएनसी कंपनीज का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा पैकेज मिल जाता है। ठीक है, तो आप इसकी सैलरी कितनी होती है, उसके अंदर काम क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन उसके ऊपर आते हैं हम। तो फर्स्ट मैंने बात की थी क्यूसी डिपार्टमेंट की। तो क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, वहाँ पर जो एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस करने के बाद उसका रिजल्ट जो है तो रिजल्ट सबमिट करना पड़ता है। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, HPLC, GC, अदर भी होते हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन अपैरेटस, तो ये सभी अपैरेटस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, तो उसके ऊपर आपको वर्क करना होता है। अब इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पैकेज कितना होता है, आप फ्रेशर हो, बी फार्मेसी हो, तो आपको 2 लाख के आसपास यहाँ पर पैकेज मिल जाता है, कम या ज़्यादा थोड़ा सा नियर 2 लाख यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाता है। अगर आपने एम फार्मेसी किया है तो आपको 2.5 तक यहाँ पर पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर। क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, AQA हो गया, DQA, डॉक्यूमेंटेशन या फिर एनालिटिकल QA हो गया, तो ऐसे कुछ डिपार्टमेंट होते हैं उसके अंदर भी। तो उसके अंदर सैलरी कितनी होती है, तो इसके अंदर भी सेम बी फार्मेसी को सेम सैलरी मिलती है यहाँ पर, 2 लाख के आसपास यहाँ पर बी फार्मेसी के लिए मिलता है। और जो हमारा एम फार्मेसी करने के बाद अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको 2.5 के आसपास यहाँ पर पैकेज मिल जाता है। अब आते हैं पैकेजिंग और प्रोडक्शन के ऊपर। पैकेजिंग और प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर आप ओवर टाइम भी कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन चलता रहता है, नाइट शिफ्ट भी वहाँ पर होती है प्रोडक्शन के अंदर ही, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर नाइट शिफ्ट पसंद नहीं होती, तो नाइट शिफ्ट उसके अंदर होती है। तो अगर आपको प्रोडक्शन के अंदर काम करना अच्छा लगता है तो आप वहाँ पर जा सकते हो प्रोडक्शन के अंदर। उसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी प्रोडक्शन के अंदर, तो प्रोडक्शन के अंदर मिलता है फ्रेंड्स सैलरी यहाँ पर थोड़ा सा कम मिलता है, जो QC या फिर QA डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड थोड़ा कम मिलता है यहाँ पर। आपको यहाँ पर 1.5 से लेकर 2 लाख के बीच में यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाता है। ओके, एम फार्मेसी करने के बाद आपको थोड़ा सा 2 लाख और 2.5 लाख के बीच में यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाता है एम फार्मेसी करने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी सेम यहाँ पर आपको पैकेज इतना ही मिलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस में जाना है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वहाँ पर आप उस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर सकते हो और यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रोथ होती है, लेकिन स्टार्टिंग में सैलरी यहाँ पर बहुत ही कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो गया फ्रेंड्स, तो आप अच्छे हाइक ले सकते हो, अदर कंपनीज में आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाएगा। अच्छी ग्रोथ है कंपनी के अंदर, तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है तो उस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, अच्छी ग्रोथ है, इसकी टेंशन ना लीजिए। अगर आपको किसी और
सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।